खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज का मैच भारत ने जिस तरीके से जीता, भले ही टॉस भारत हारा, लेकिन उसके बाद से लेके भारत ने पूरे मैच में वो पकड़ बनाई कि कभी ये लगा ही नहीं कि श्रीलंका टीम कमांड में रही। टॉस हारने के बाद भी हमारे ओपनिंग बोलर्स भुवनेश्वर कुमार हालांकि पिटे शुरुआती 5 ओवर में, लेकिन बुमराह दूसरे एंड पर शानदार गेंदबाजी करते रहे और अंत आते आते ये इतिहास आपके सामने है। रोहित शर्मा 5 शतक लगाए हैं इस वर्ल्ड कप में, इस एक टूर्नामेंट में नया रिकॉर्ड उनके नाम हुआ है। के संकारा, कुमार संकारा का जो रिकॉर्ड था 2015 का, उसको तोड़ा है। उसके पहले मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर थे उनके नाम पे 3 शतक थे। सौरभ गांगुली के नाम पर 2003 में 3 शतक थे। मार्क वॉ के नाम पर 1996 में 3 शतक थे। लेकिन एक वर्ल्ड कप में अभी तक भारत जितने मैच खेला है उसमें 5 शतक लगाकर अभी रोहित शर्मा के पास बहुत सी इनिंग बाकी है। आप चिंता मत करिएगा, अभी सेमीफाइनल भी है और जिस अंदाज में, जिस बेदाग तरीके से रोहित शर्मा आज खेले हैं, जिस कॉन्फिडेंट के साथ वो शॉट लगा रहे थे आज मैदान के चारों तरफ, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। बीते एक साल में 6 जुलाई 2018 से लेकर 6 जुलाई 2019 के बीच में 10 सेंचुरी लगा चुके हैं 34 पारियों में 2063 रन। और इसी शानदार पारी के लिए रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच भी घोषित कर दिया गया है। रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच बने हैं। शर्मा जी के बेटे ने एक बार फिर कमाल कर दिया है।